हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी। फ्रेंड्स, आज हम कुकर में पाव भाजी बनाएंगे। जब भी आपको मन करे कुकर में पाव भाजी बनाइए और एकदम 15 मिनट में ही तैयार हो जाती है और स्वाद एकदम स्ट्रीट स्टाइल के जैसा। देखो दोस्तों, कितनी हमारी सब ये पाव भाजी तैयार हो गई है। देखते ही खाने का मन हो रहा है। इसमें न ज़्यादा बर्तन खराब होते हैं न क्या। तो चलो अभी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर में मैंने एक चम्मच ये तेल डाला है और थोड़ा सा बटर डाला है। जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जब जीरा टरक जाए तो इसमें डालेंगे हम 2 पिंच हींग और डालेंगे प्याज। फ्रेंड्स, मैंने 2 बड़े प्याज डाले हैं और जब ये ट्रांसल्यूट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये तो इसको हम 1 मिनट तक जला देंगे। अभी हम डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, इसको भी हम जला देंगे। अभी हम डालेंगे शिमला मिर्च, इसको भी हम जला देंगे। और फ्रेंड्स, जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अभी मैंने 4 बड़े टमाटर को काट कर इसमें डाल दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साइड में से मैंने पानी डाल दिया है जैसे कि मसाला जले ना। और ढक्कन इस तरह से मैंने बंद किया है जैसे कि थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब सभी को हम अच्छी तरह से चला देंगे और सभी सब्जियां हम इसमें डालेंगे। पहले हम डालेंगे 4 मैंने आलू डाले हैं, 1 गाजर डाली है और 1 मैंने कटोरी ये कैबेज डाला है, 1 कटोरी मैंने कॉलीफ्लावर डाला है और मैंने आधा चुकंदर इसमें डाल दिया जिससे कलर अच्छा आता है। और 1 मैंने बैंगन डाला है जिसको मैंने छील के और टुकड़े करके इसमें डाला है। आधी कटोरी मैंने हरी मटर डाली है। अभी हम डालेंगे मसाले। पहले 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर और नमक थोड़ा सा। फ्रेंड, नमक ध्यान से डालिएगा, पहले भी हमने नमक डाला है। अभी सभी को हम 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से इसको चला देंगे जैसे कि सभी हमारे मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी इस तरह से हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे जैसे कि पूरा मसालों का फ्लेवर सब्जियों में चला जाए। अभी हम सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मैंने 1 गिलास भर कर इसमें पानी डाला है। फ्रेंड्स, पानी ध्यान से डालिएगा। फ्रेंड्स, मुझे पाव भाजी मसाला डालना भूल गई थी तो अभी हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको चला देंगे। अभी हम कुकर के लिड बंद करके इसको मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका देंगे। फिर गैस का फ्लेम बंद करके इसको अपने आप ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अभी पाव भाजी मैशर से इसको हम मैश कर देंगे। सब्जियां हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी की मात्रा भी इसमें बराबर है, इसलिए पाव भाजी अच्छी तरह से मैश हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्ट्रिक्ट स्टाइल हमारे पाव भाजी बना रहे हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और गैस पे 1-2 मिनट के लिए पका देंगे।
हमारी पाव भाजी की कंसिस्टेंसी एकदम बराबर है। देखो दोस्तों कितनी अच्छी हमारी पाव भाजी बनी है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया के पत्ते और नींबू का रस। अब ये सभी को हम अच्छी तरह से घुमा देंगे। फ्रेंड्स ये पाव भाजी हमारी इतनी अच्छी बनी है। अभी इसमें लास्ट तड़का बाकी है। पहले तड़का पैन में मैं बटर डाल दूंगी और मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और शेजवान चटनी। फ्रेंड्स शेजवान चटनी से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप ज़रूरी ट्राई करना। अभी इस तड़के को हम पाव भाजी में डाल देंगे। देखो दोस्तों कितनी सुंदर पाव भाजी हमारी बनी है और खाने में तो उतनी ही टेस्टी। सभी को हम अच्छी तरह से घुमा देंगे, जैसे हमारे तड़के का फ्लेवर भी इसमें चला जाए। अभी हम तवे पर थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसमें हम डालेंगे धनिया के पत्ते और थोड़ी सी पाव भाजी। अभी हम अच्छी तरह इसको हम मिक्स करेंगे। अभी पाव को बीच में से कट लगाकर उल्टा इसमें डाल देंगे और ऐसे चला देंगे और चारों तरफ से इसको हम घुमाएंगे, जैसे कि पाव भाजी का फ्लेवर इसमें चला जाए। फ्रेंड्स अभी हम पाव भाजी को सर्व करेंगे। अभी हम इसमें रखेंगे बटर के टिक्की और डेकोर करेंगे और फ्रेश धनिया के पत्तों से।